नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सेडेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं पार्ट 22 लेसन 5 कॉमन कटिंग टूल में। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो ड्रिलिंग मशीन पे की जाने वाली संक्रियाएं या ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होती है, तो सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे, देखेंगे यहाँ पे ड्रिलिंग लिखा हुआ है और ड्रिलिंग के बारे में हम बताते हैं। तो यह ड्रिलिंग मशीन पर की जाने वाली प्रमुख संक्रिया है। इस संक्रिया में घूमते हुए ड्रिल द्वारा ठोस वस्तु में गोलाकार छिद्र बनाते हैं, वही हमारी क्या कहलाएगी, ड्रिलिंग कहलाएगी। ठीक है, ये कोई वस्तु है ठोस और इसमें होल कर रहा है क्या, इस ड्रिल का एंगल जो इसमें होल करते हुए घूम रहा है वो हमारी ड्रिलिंग प्रक्रिया कहलाएगी। क्लियर दोस्तों। इसके बाद से आते हैं दोस्तों हम रिमिंग पे। तो रिमिंग क्या होती है दोस्तों, पहले से किए हुए छिद्र को सही माप आकार तथा छिद्र को सतह पर उत्तम फिनिशिंग लाने के लिए रिमिंग की जाती है। यह संक्रिया रिमर के द्वारा किया जाता है। रिमर में क्या होता है दोस्तों कि कई फ्लूट्स कटे होते हैं, ठीक है, कई फ्लूट्स पड़े होते हैं। अगले वीडियो में रिमर को बताऊँगा दोस्तों, कई फ्लूट्स कटे होते हैं और वो क्या करती है कि किसी भी होल को बड़ा करके तथा परिशुद्ध बनाने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं। ये होल है, अगर ड्रिलिंग किया गया है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देगा और इसको परिशुद्ध स्मूथ चिकना कर देगा दोस्तों, यही हमारी रीमिंग की जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों बोरिंग की। ठीक है, तो बोरिंग की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो बोरिंग की बात करते हैं, तो बोरिंग क्या होती है दोस्तों, इस संक्रिया भी ये बोरिंग भी यही क्या होती है कि संक्रिया भी पहले से बने, यह संक्रिया पहले से बने छिद्र के आकार को बढ़ाकर सही साइज में लाने तथा उत्तम फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए यह की जाती है बोरिंग। ठीक है, बोरिंग की जाती है। इस विधि में बोरिंग बार के अगले सिरे पर, ठीक है, बार के अगले सिरे पर टूल बीट लगा दी जाती है। मतलब ये जो बार होता है इसके अगले सिरे पर टूल बीट लगा दी जाती है, जिसके द्वारा बोरिंग करके छिद्र को बड़ा कर लेते हैं। इस विधि के द्वारा सही स्थान पर न हुए छिद्र को सही कर सकते हैं तथा अंडाकार छिद्र को भी सही कर सकते हैं। रिमिंग की अपेक्षा इस विधि में समय अधिक लगता है। ठीक है दोस्तों, बोरिंग मतलब ये अंडाकार है तो भी हम गोला बना सकते हैं, ये वृत्ताकार है तो सही है, ये अगर घोल बेकार हो गया है तो इसको हम बोरिंग करके सही कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं काउंटर बोरिंग लिखा हुआ है। काउंटर बोरिंग का मतलब क्या है कि इस क्रिया में ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक काउंटर बोरिंग टूल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो काउंटर बोरिंग टूल की बात करेंगे तो फिगर के साथ मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, ये ड्रिलिंग प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा जॉब है, सॉलिड जॉब है, और इसमें क्या है दोस्तों, ये ड्रिल कटिंग कर रहा है। ठीक है, ये हमारे ड्रिलिंग प्रोसेस हो गई। ठीक है, मैंने क्या बताया था अभी इसके पहले कि मतलब कोई भी जॉब है या मतलब मशीन संक्रिया जिसमें ड्रिल घूमते हुए ठोस दाब वस्तु गोलाकार छिद्र बनाता है, वही हमारी ड्रिलिंग प्रोसेस कराती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों बोरिंग वाला, मतलब पहले से किए हुए होल को बड़ा करने के लिए तथा स्मूथ फिनिशिंग करने के लिए बोरिंग करते हैं। इसमें टूल बिट लगे होते हैं, तो यही है दोस्तों, टूल बिट लगा होता है जो कि यह कटिंग करके स्मूथ और फिनिशिंग कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताया था कि दोस्तों रिमिंग वाले पे मतलब पहले से किया हुआ ड्रिल के द्वारा होल है। ठीक है, और ये इसमें कई फ्लूट्स कटे होते हैं। ठीक है, पंख कोण इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके 45 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा दोस्तों। तो ये क्या करता है, पहले से किए हुए होल को थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है, और उसको परिशुद्ध बना देता है, वह रिमिंग वाली प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, काउंटर बोरिंग की बात कर रहे थे दोस्तों, तो इस प्रक्रिया में ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। पहले से किए हुए होल को गोल सुराख में एक सिरे पर कुछ गहराई में क्या करते हैं, बड़े साइज, ठीक है, का गोल सुराख बना लेते हैं। कुछ गहराई में देखिए यहाँ बड़ा सुराख बना हुआ है। ठीक है, बना लिया जाता है। ठीक है, गोल सुराख में बना लिया जाता है। ठीक है, ताकि उसमें प्लेन स्क्रू या बोल्ट का हेड आसानी से बैठ जा सके। ठीक है, प्लेन स्क्रू या बोल्ट का हेड आसानी से, जो मतलब बोल्ट होते हैं दोस्तों, मतलब कैसे रहेगा, ये मान लीजिए चौकोर हमारा क्या है, जॉब है, इसमें ये थ्रेड कटे हैं। ठीक है, तो इसमें हेड नहीं बैठ रहा है, तो क्या है कि किसी भी मतलब ये मान लीजिए कि इसमें थ्रेड कटे हुए हैं, ये ऊपर से इसका हेड है। ठीक है, ये आसानी से इसमें क्या है दोस्तों कि बैठ जा सके। ठीक है, वह काउंटर बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं काउंटर सिंकिंग की बात करेंगे दोस्तों। तो काउंटर सिंकिंग, ये फिगर जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये काउंटर सिंकिंग है। इस विधि में पहले से किए हुए सुराख का मुंह तिरछा, मतलब पहले से किए हुए सुराख का मुंह क्या है दोस्तों, तिरछा या कोनिकल बनाते हैं तथा काउंटर सिंकिंग स्क्रू का हेड ठीक
तरह अच्छी तरह बैठ जाए तथा मानक काउंटर सिंकिंग में 60 कितना डिग्री 60 डिग्री से लेके 82 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के अंतर्गत कोण बनाए जा सकते हैं। किसमें दोस्तों? काउंटर सिंकिंग में, ठीक है, काउंटर बोरिंग में नहीं, काउंटर सिंकिंग में। ये क्लियर कर लीजिए, काउंटर बोरिंग मतलब उसमें प्लेन हेड स्क्रू या बोल्ट का हेड आसानी से बैठ जाता है, लेकिन काउंटर सिंकिंग में कह रहा है कि मुंह को थोड़ा सा तिरछा करके, मतलब स्क्रू का हेड ठीक तरह से छिद्र में बैठ जाए, मतलब इसमें तिरछा किया जाता है हल्का सा, ठीक है। लेकिन काउंटर बोरिंग में ये तिरछा वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्ट बोर करके उसमें प्लेन हेड स्क्रू को, या मतलब प्लेन स्क्रू के हेड बोल्ट को बैठा लिया जाता है, ठीक है। अब बोरिंग वाले में कहेंगे दोस्तों, तो मतलब जो बने छिद्र होते हैं उसके आकार को बढ़ाकर सही साइज में लाने के लिए तथा उच्चतम फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोस्तों, वह स्पॉट फेसिंग है, ठीक है, स्पॉट फेसिंग बोलते हैं इसको। ढलाई किए हुए जाब में सुराख करने के बाद सुराख के ऊपरी सतह या बोर के फेस पर समतल सतह बनाने के लिए जो संक्रिया की जाती है उसे स्पॉट फेसिंग कहते हैं। ये ढलाई किया हुआ जाब है, ठीक है, और इसका ऊपरी जो पार्ट है वो समतल सतह नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि स्पॉट फेसिंग करेंगे, ठीक है। स्पॉट फेसिंग क्रिया ड्रिलिंग मशीन पर स्पॉट फेसिंग कटर द्वारा किया जाता है, ठीक है, कटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इससे सुराख में फिट किए जाने वाले बोल्ट हेड नट वाशर रिंग आदि ठीक बैठ जाते हैं, ठीक है। इससे मतलब जब फिनिशिंग कर देंगे तो बिल्कुल आसानी से उसमें क्या है बैठ जाएंगे, वह स्पॉट फेसिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा टैपिंग, ठीक है। ड्रिल मशीन पर घूमते हुए टैप द्वारा छिद्र में चूड़ी काटने की विधि को क्या कहेंगे? टैपिंग कहेंगे। ये होल किया है ड्रिल मशीन के द्वारा, टैप कहेंगे, ठीक है, टैपिंग कहेंगे। उत्पादन, अधिक उत्पादन के लिए इस विधि में टैपिंग अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, टैपिंग अटैचमेंट का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे हैंडल होता है, ठीक है, टैप रेंच होता है या टैप हैंडल होता है, ठीक है, और बिल्कुल आसानी से इसको घुमाया जा सकता है यार, और आसानी से इसमें थेड़े एक नंबर के प्रसिद्ध बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो ट्रिपेनिंग प्रोसेस है, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन पर बड़े व्यास के छिद्र बनाने या गोलाकार जाब काटने के लिए, बड़े व्यास के छिद्र बनाने के लिए या गोलाकार जाब को काटने के लिए ट्रिपेनिंग की जाती है, ठीक है। इस विधि में कहा जाए तो एक होल्डर के मध्य से बराबर दूरी पर दो बीट लगे होते हैं। एक होल्डर होता है, उसमें क्या होता है, बराबर बीट पर एक दो बीट लगे होते हैं, ठीक है, बीट लगा दी जाती है, और तथा मध्य में छिद्र के माप को पायलट लगा लिया जाता है, और उसके बाद से यहाँ पे पायलट मतलब ये बीच वाला में, ठीक है, और उसके बाद से ये कटाई चालू कर देता है और बड़ी जल्दी कटाई गोलाकार सुराख कर देता है, ठीक है। ट्रिपेनिंग यही होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, काउंटर सिंकिंग हो गई, काउंटर बोरिंग हो गया, स्पॉट फेसिंग हो गया, ट्रिपेनिंग हो गया, और इसके बाद से लैपिंग आपको बताते हैं, ठीक है। काउंटर सिंकिंग मतलब मुंह को तिरछा करके, स्पॉट फेसिंग मतलब ड्रिल के ऊपरी जाब को समतल मतलब हेड को समतल बनाना, और ट्रिपेनिंग मतलब किसी भी जाब में बड़ा गोल जाब को काट के सीट के निकालना, ये ट्रिपेनिंग क्रिया हो गया। बोरिंग वाला अभी जहाँ बताएं आपको, बड़ा मतलब फिनिशिंग करने के लिए, ठीक है, होल को बड़ा करने के लिए। अब ये आपका लैपिंग आता है दोस्तों, तो लैपिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो लैपिंग हार्ड किए हुए जाब या पाड़ के छिद्र के सतह पर शुद्ध तथा चिकना बनाने के लिए लैप ड्रिलिंग मशीन पर बांध कर लैपिंग करते हैं। ड्रिलिंग मशीन पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको बांध देंगे और वहां पे लैपिंग करेंगे दोस्तों। क्लियर? 8 अक्षर के आकार में, इस विधि में बहुत कम धात करती है, मतलब कम धात का 0.1, मतलब अगर कहा जाए तो स्क्रैपर में पढ़ाया हूँ कि मतलब उसमें लगभग लगभग 0.005 है, मतलब एक पास में खुर्च सकता है, ठीक है, 0.007 एक पास में खुर्च सकता है 24 मिलीमीटर वर्ग के हिसाब से, ठीक है, तो ये बहुत कम हो जाएगी। लैप कई प्रकार के होते हैं, परंतु तांबे या कास्ट आयरन के बने लैप्स अधिक प्रयोग किया जाता है। तांबे तथा कास्ट आयरन के बने लैप अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तांबा मतलब कहा जाए तो कापर, कापर CU, और ये कास्ट आयरन कहा जाए तो CI, मतलब कास्ट आयरन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। लैप को छिद्र में फिट बैठा कर ऊपर या नीचे चलाते हुए घुमाया जाता है, ठीक है। छिद्र में बैठा कर ऊपर या नीचे मतलब कोई भी होल है तो उसमें लैपिंग हमारा आसानी से कर सकते हैं, वो स्मूथ चिकना हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम, हमारा लैपिंग क्लियर हो गया दोस्तों, यह लैपिंग होती है, और इसके बाद से ये यहाँ पे है मैं ड्रिल्स फॉर डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, जो मतलब हमारे पास ड्रिल है वो विभिन्न पदार्थों के लिए है, ठीक है, वो विभिन्न पदार्थों के
लिए विभिन्न पदार्थ के लिए ड्रिल जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, मतलब ड्रिल किए जाने वाला पदार्थ, नोक कोण मतलब पॉइंट एंगल, हेलिक्स कोण मतलब हेलिक्स एंगल, या व्यास की डी के लिए कैसे कितना होना चाहिए, किस मटेरियल के लिए कितना एंगल होना चाहिए, वो आपको क्लियर करवा दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए आपको क्लियर करवा दे रहा है, रिकमेंडेड ड्रिल के अनुसार ये दिया है सारणी। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे दिया है ड्रिलिंग किए जाने वाले पदार्थ, मतलब भूरा ढलवा लोहा, धातु वर्धनीयता ढलवा लोहा, पीतल, जर्मनी, सिल्वर, निकिल तथा 7 kg फोर्स प्रति मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 70 kg 70 kg मिलीमीटर का फोर्स तक सामर्थ्य सहन करने वाला, या इस्पात या ढलवा लोहा के लिए अगर पॉइंट एंगल की बात किया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 118 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 118 डिग्री। और यहाँ पे हेलिक्स एंगल की बात किया जाए तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कितना व्यास के लिए, 3.5 से 5 का अगर व्यास रहेगा तो 22 का हेलिक्स एंगल रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों आपका 5 से 10 का रहेगा तो 25 हेलिक्स एंगल रहेगा, यहाँ पे दोस्तों 10 का व्यास रहेगा तो वहाँ पे 30 का हेलिक्स एंगल रहेगा। इसके बाद से पीतल का तो 118 ही होता है, और यहाँ पे हेलिक्स एंगल है मोटाई के अनुसार से तीनों का तो 12 डिग्री 13 डिग्री 13 डिग्री। ठीक है, स्टील तथा कास्ट आयरन के लिए 130 डिग्री, और यहाँ पे 22 से 25 से 30 डिग्री है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, तांबा 32 मिलीमीटर से अधिक ड्रिलिंग व्यास वाले, जैसे एल्युमिनियम हो गया, मिश्र धातु हो गई, छोटी टूटने वाली योग्य मतलब छीलन बनाना हो गया, तो वह कितने पर रहेगा तो 140 डिग्री रहेगा। उसका भी हेलिक्स एंगल रहेगा जो कि व्यास के अनुसार लेंगे तो 22 25 30 ऐसे ही रहता है। ठीक है, उसके बाद तांबा का ड्रिल का व्यास 30 मिलीमीटर तक है, तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु मतलब लहरेदार चिप्स जो सेल्यूलॉइड का होता है तो उसका 140 का होता है, यहाँ भी हेलिक्स एंगल है। और व्यास की बात करेंगे दोस्तों तो 3.5 से 5, और 5 की बात करेंगे तो 35 डिग्री से 40 डिग्री। आस्टेनिटिक स्टील मैग्नीशियम मिश्र धातु की बात करेंगे 140, और यहाँ पे हेलिक्स एंगल की बात करेंगे व्यास के सहित तो 12 डिग्री 13 डिग्री। प्लास्टिक मोल्डेड की बात करेंगे तो 80 डिग्री, और 35 और 40 इसमें हो जाएगा। प्लास्टिक मोल्डेड लेमिनेटेड प्लास्टिक कठोर रबड़ की बात करेंगे, एबोनाइट या मार्बल कोयला की बात करेंगे तो 80 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री हो जाएगा। जिंक मिश्र धातु की बात करेंगे तो 180 18 डिग्री तथा 35 डिग्री तथा 40 डिग्री हो जाएगा। ये आपका ये मटेरियल के अनुसार पे क्लियर कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें से हमेशा एग्जाम में पूछता है 1 या 2 क्वेश्चन जरूर दोस्तों। यहाँ रिकमेंडेड ड्रिल कटिंग स्पीड के बाद बात करेंगे दोस्तों, तो ड्रिलिंग पर किए जाने वाले पदार्थ मतलब ड्रिलिंग किया जाने वाला पदार्थ मटेरियल टू बी ड्रिलिंग ये देखेंगे दोस्तों। और इसके बाद से बात करते हैं हाई स्पीड स्टील टूल के लिए, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कटिंग स्पीड जो रहेगा मीटर प्रति मिनट में तो 5 से 8 रहेगा। एब्रेसिव गुड़ के कारण स्पीड इसकी क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो 20 से 30 हो जाएगा। फास्फोरस कांस का हाई स्पीड स्टील का अगर हाई कार्बन स्पीड या हाई स्पीड स्टील टूल के लिए बात करेंगे तो 20 से 35 इसका मीटर प्रति मिनट इसका कटिंग स्पीड रहेगा। स्टील का 20 से 30 रहेगा, भूरा ढलवा लोहा का 25 से 40, पीतल का 35 से 50 तथा तांबा का 35 से 45 तथा एल्युमिनियम का 70 से 100 या 100 रहेगा दोस्तों। इस तरह से हम रिकमेंडेड ड्रिल में के द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका क्या कटिंग स्पीड हम देख सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों औसत फिट तथा उसके मान पर आधारित फिट रेट के बारे में। तो हाई स्पीड स्टील ड्रिल का व्यास अगर मिलीमीटर में है तो 1.0 और से 2.5 रहेगा, तो उसकी फिट दर कितनी रहेगी प्रति परिक्रमा मिलीमीटर में, तो 0.040 से लेकर 0.060 तक रहेगा दोस्तों। दूसरा है 2.6 से अगर 4.5 तक रहेगा तो कितना उसका फिट दर रहेगा, तो 0.050 से लेके 0.100 रहेगा दोस्तों। इसी तरह 4.6 का 6.0 से लेके कितना रहेगा, तो 0.075 से लेके 0.150 तक रहेगा। तो ये क्रिया यहाँ तक है दोस्तों, और ये इसमें से ज़्यादा नहीं पूछता है, कम ही पूछता है दोस्तों, ये क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। जितना इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ पूरा, जैसे 9.1 है तो 12.0 तक इसका ड्रिल का व्यास है, तो इसका कितना लगेगा 0.150 से लेके 0.25
जीरो तक क्लियर कर देगा। ठीक है, इसका फीट दर परिक्रमा मिलीमीटर में दर्शाएगा। 12.1 से लेके 15.0 तक की बात करेंगे दोस्तों, तो 0.200 से लेके 0.300 तक इसका परिक्रमा फीट दर हो जाएगा। 1.5.1 मतलब 15.1 का भी या 15.1 का से लेके 18.0 तक ड्रिल का व्यास है, तो उसका कितना फिट दर होगा, तो 0.230 से लेके 0.330 तक ले सकते हैं। 18.1 से 21.0 तक लेगा, तो 2.260 से लेके 0.380 तक इसकी फिट दर रहेगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, मान को क्लियर कर लेंगे दोस्तों, याद कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपका ये आपका जो दिखाई दे रहा है कोणीय विमाओं का विचलन दे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका लिखा हुआ कोणीय विमाओं का विचलन, कोण की छोटी रेखा या लंबाई मिलीमीटर में, तो ये कोण अल्फा कोणी की सहिष्णुता है और ये कोण यम रेखी का इकाई की सहिष्णुता है। विचलन श्रेणी महीन मध्यम श्रेणी तथा मोटा श्रेणी या बात करेंगे तो इससे अधिक है या मोटा है के बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियर कर देगा दोस्तों। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में ये यहाँ रहेगा यल की मिलीमीटर की ऊपरी सीमा तक के सम्मिलित किए हुए मान ये रहेंगे। ठीक है, यल लंबाई में, उसके बाद से यह कोणी यम के मिलीमीटर में, इसमें टॉलरेंस के साथ प्लस माइनस टॉलरेंस के साथ रहेगा दोस्तों। अल्फा डिग्री अथवा मिलीमीटर में मतलब 1 डिग्री का 30 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री जो भी रहेगा यहाँ पे डिग्री दर्शाएगा दोस्तों। इसके बाद से यल मिलीमीटर में मतलब प्लस माइनस टॉलरेंस के साथ दर्शाएंगे, फिर अल्फा डिग्री में दर्शाएंगे, फिर यम में दर्शाएंगे, फिर अल्फा में दर्शाएंगे। ये क्या दर्शाता है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत कम आती है। ठीक है, लेकिन आपको अगर लगता होगा कि हमें तो देखने में अभी तक इसमें से इसके ये टॉपिक जो अभी दिखा रहा हूँ आपको, इसमें से कहीं अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, फिलहाल पूछ भी सकता है। तो कोणीय कोण की छोटी रेखा की लंबाई मिलीमीटर में इसको प्रदर्शित करने के लिए विमाओं का विचलन ज्ञात करने के लिए ये हम सहिष्णुता बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, ड्रिलिंग डिफेक्ट एंड केसेस के बारे में। अभी मटेरियल के बारे में सारे फिगर को दर्शाते हुए बता रहे थे, जो लास्ट में बताया हूँ कि एल कोण अल्फा और कोण मतलब एम को जो प्रदर्शित कर रहा वो इतना खास इंपोर्ट नहीं था। ठीक है, ये आपका देखिए दोस्तों ड्रिलिंग डिफेक्ट एंड केसेस के बारे में, तो पहला नंबर का टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला नंबर का ये टॉपिक है हमारा दोस्तों अनइक्वल फॉलो अप चिप्स। ठीक है, असामान्य एवं रुक रुक कर छीलन छीलन का प्रभाव, असामान्य या रुक रुक कर छीलन का प्रभाव, मतलब ये दोष कब पैदा होता है, यदि नोक का कोण डील का केंद्र में न हो। यदि नोक का कोण मतलब ये जाब है या नोक का कोण जो है डील के केंद्र में या न ही हो। ठीक है, नोक का कोण यदि कर्तन धारे समान ना हो, मतलब कटिंग एंगल जो उसका है वो समान हो, असमान हो दोस्तों। ठीक है, वो असमान हो तभी ये छीलन का प्रवाह या रुक रुक का ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं बहुत बड़ा छिद्र ओवर साइज होल। यहाँ पे है बहुत बड़ा छिद्र ओवर साइज होल, इसके कारण क्या बनेगा, कर्तन कोरों का असामान्य कोण, ये जो जॉब है इसमें जब कटिंग करेगा तो ये कर्तन कोण जो होंगे असमान कटिंग करेंगे। ठीक है, कर्तन कोरों के असमान लंबाई हो जाएगा, असमान लंबाई, किसी का छोटा हो जाएगा किसी का बड़ा हो जाएगा। स्पेंडल के अपने केंद्र पर न चलना, स्पेंडल मतलब जो स्पेंडल है इसके ऊपर डील के ऊपर चक है, चक के बाद स्पेंडल है, तो स्पेंडल अपने जगह पे नहीं चल पाएगा। नोक को असमान रूप से पतला करना, और नोक जो ये है असमान रूप से पतला करना, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। डील नोक को अपने केंद्र पर न होना, यहाँ जो जॉब है यहाँ पे पॉइंट ना होके केंद्र पर ना होके कहीं और हो जाना। ठीक है, ये सारे बहुत बड़ा ओवर साइज होल होने के कारण होता है। ठीक है, मतलब ओवर साइज होल कैसे होता है, तो इन कारणों से होता है। खुरदुरे छिद्र मतलब रफ होल की बात करेंगे यहाँ पे, रफ होल की तो अधिक फिट दर मतलब चक्कर बहुत तेज हो। ठीक है, अपर्याप्त शीतलन मतलब शीतलन जो है मतलब कूलेंट जो पानी दे रहे हो मतलब अपर्याप्त है। कर्तन धार तेज न होना, कटिंग एंगल क्या है तेज न होना, तो भी खुरदन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं दोस्तों टूटी हुई डील अथवा विपाटित जाल मतलब ब्रोकेन ड्रिल ऑफ स्प्लिट वेव। ठीक है, ब्रोकेन ड्रिल ऑफ स्प्लिट वेव ये कब होगा, अत्यधिक फिट दर होगा तब होगा। क्लियर, फिट दर मतलब अंदर घुसने की प्रक्रिया, उचित नोक कोण का न होना, मतलब जो नोक है या उसका एंगल है उसका उचित न होना। ड्रिल फ्लूट में छीलन फंसी होना, मतलब फ्लूट जो ऐसे होते हैं उसमें छीलन फंसा हुआ है। ठीक है,
जाप की दृढ़ता पूर्वक न कसा होना, जाप जो है दृढ़ता पूर्वक न कसा होना, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। टूटी हुई डील अथवा भी पाटीत जाल का वाला, ठीक है। इसके बाद ड्रिल का तेज न होना, और ड्रिल का एंगल अगर तेज नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पांचवें नंबर का, तो ओवर हेटेड ड्रिल आ जाएगा दोस्तों, ऊपर हेटेड ड्रिल, ठीक है। मतलब ये है अतितिप्त ड्रिल। अतितिप्त ड्रिल का अत्यधिक फिट दर होना, मतलब इसका अत्यधिक फिट दर रहेगा, अत्यधिक कर्तन गति का होना, अत्यधिक कर्तन गति, उचित नोक कोण का न होना, उचित नोक कोण का न होना, ठीक है। ड्रिल तेज न होना, जो ड्रिल है दोस्तों वो धीरे धीरे चलना, ठीक है। ड्रिल तेज न होना, उचित अवकाश कोण का न होना, अवकाश कोण जो होता है वो उसका उचित न, अपर्याप्त शीतलन मतलब शीतलन का प्रयोग न होना, मतलब अत्यधिक फिट दर न होना, मतलब अत्यधिक फिट दर इसमें नहीं रहेगा तो भी दिक्कत होगी। अति तप्त ड्रिल मतलब अत्यधिक कर्तन गति का होना, कटिंग एंगल अगर अधिक होगा तो भी पूरा रफ और खुरदरदार सतह बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि मतलब उसके दोष हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका अगर क्लियर इतना होता है तो आपको क्लियर, ये आपका दोष जो है ड्रिल मशीन में वो पूरी तरह से क्लियर रहेगा। अगर काउंटर बोर साइज की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे काउंटर बोर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, तो एक एच प्रकार का होता है और एक के प्रकार का होता है। जो एच प्रकार का काउंटर बोर रहेगा वो उसके स्लॉटेड हेड स्लॉटेड या चीज हेड तथा क्रॉस रिसेस्ड पैन हेड स्क्रू लगाने के लिए इसका संयोजन किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर के प्रकार की बात किया जाए दोस्तों, तो षटकोणीय साकेट हेड स्क्रू या कैप स्क्रू से बने संयोजन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? नमस्कार दोस्तों।